कि फिर इमरान खान साहब के अंदर बड़ी पावर है कि वो अपने दुश्मनों को जेर कर लेते हैं, वो महमूद अशकज़ई को भी जेर कर लेते हैं और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी जेर कर लेते हैं, और अगर वो आज चाहें तो एमकेएम के लिए भी अपने दरवाजे खोल सकते हैं और एमकेएम दौड़ के उनके पास चली जाएगी। और ये भी मुमकिन है कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वो हाथ थाम ले, बल्कि ये हो सकता है ये जसारत लगे आपको, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर दरमियान में दो बंदे आ जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन भी इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएगी। तो फिर तवाना कौन हुआ, फिर जीत किसकी हुई, फिर हाथ किसका ऊपर हुआ, इमरान खान का। तो फिर हमें यह चीज माननी होगी कि इमरान खान अगर चाहे तो वो सियासी जमातों को भी अपनी तरफ राजी कर सकता है, रागब कर सकता है और वो एस्टैब्लिशमेंट को भी मनवा सकता है। आज अगर वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ हाथ बढ़ा दें और उनकी एक दो शर्तें मान रहे हैं तो वो इमरान खान साहब दोबारा इख्तदार में भी होंगे। तो फिर इस सारे सिस्टम में तगड़ा तो सिर्फ इमरान खान हुआ। तो फिर आपको ये बात माननी पड़ेगी, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शनों ने बहरहाल ये चीज साबित कर दी है कि इमरान खान इस पूरे सिस्टम से ज्यादा तगड़ा है और सिस्टम उसके सामने ठहर नहीं सकता। लेकिन अब देखें इमरान खान के अंदर कितनी जान है और वो कितना पावरफुल आदमी है कि महमूद अशकज़ई ने भी इंकार नहीं किया उनकी ऑफर के सामने, वो भी चुप कर गए, खामोश हो गए और उन्होंने ये ऑफर कबूल उनकी कर ली। तो ये क्या चीज साबित करती है, ये चीज साबित करती है कि इमरान खान बाकी पूरे सिस्टम से तगड़ा है।